नमस्कार दर्शकों आह्वान इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हम आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं ऐसे ही आज हमारे बीच समस्याओं का समाधान लेकर आई हैं राजयोगिनी अनीता दीदी नमस्कार अनीता दीदी ऐसा ही आज एक ईमेल आया है सोनम का जो कि भोपाल से है वो लिखती हैं कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर नेचर की हूँ मुझे ऐसे तो गुस्सा नहीं आता मैं लोगों की बातें सहन कर लेती हूँ पर अगर वही बातें बार बार होती है तो मैं सहन नहीं कर पाती नहीं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है फिर ऐसे में लोगों को मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ और जब समय निकल जाता है तब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैंने कितना गलत कह दिया कितना बुरा कह दिया और मन ही मन मुझे बहुत बुरा लगता है और कहीं कही ना कहीं एक ईगो कह सकते हैं कि मैं फिर बाद में उसको आ, सुधार नहीं पाती हूँ सॉरी से वो काम नहीं बन पाता है तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए वास्तव तो में ये प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो गई है हर एक कोई ये कहता है कि जब कोई बात बार बार आती है तो हमें गुस्सा बहुत आ जाता है एक दो बार होती है तो हम सैन कर लेते हैं कोई कोई फिर ऐसे भी होते हैं जो एक बार वाला भी सहन नहीं कर पाते हैं ये चलो कुछ बार के बाद गुस्सा करती है पर इसको ये समझ जाना चाहिए कि क्रोध मनुष्य के विवेक को खा जाता है जब भी अंदर क्रोध का जन्म होगा तो बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा उस टाइम राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता इसलिए ज़्यादातर लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि क्रोध आते ही मुंह से रॉन्ग वर्ड्स निकलते इसी से ही पता चलता है कि बुद्धि पर पर्दा पड़ गया दूसरा उसके बाद रिपेंटेंस होती है पश्चाताप आता है उससे भी सिद्ध होता है कि अकल मारी जाती है तीसरा उसके बाद हमें शक्तिहीनता का आभास होता है अच्छे निर्णय करने में मुश्किल लगता है इससे भी पता चलता है कि क्रोध के द्वारा हमारी शक्तियों का ड्रेन हो जाता है तो इस सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए एक बार अपने से विचार ज़रूर कर लेना चाहिए कि ये चीज़ कितनी गलत है कुछ आभास इसको हुआ है इसलिए प्रश्न लिख कर के भेजा है लेकिन वास्तव में अपने अंदर झांक करके देखने की ज़रूरत है कि जब जब लोग गलत कुछ बोल रहे होते हैं तो उनके प्रति मेरा एटीट्यूड क्या होता है तो उस एटीट्यूड को चेक करके चेंज करने की ज़रूरत है अगर सामने वाला दो शब्द गलत बोला तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट होता है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है ये मेरे अगेंस्ट है मैंने इसको बहुत अच्छा समझा था उस वक्त हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी को रॉन्ग सिद्ध कर देते हैं अपने मन के अंदर जबकि अंदर एक फिल्टर लगाना चाहिए कि आज ये कुछ गलत शब्द बोल रहा है लेकिन इसके इतना गलत कह देने से ये सारा तो गलत नहीं हो जाता ये कहीं तो बहुत अच्छा भी होगा अगर हम फिल्टर ठीक रखें उसकी एक बुराई को देखते हुए बाकी अच्छाइयों को याद रखें तो अंदर जो इरिटेशन आकर के क्रोध के शब्दों के रूप में बाहर निकली है वो कंट्रोल हो जाएगी दूसरा क्रोध आने से पहले भी जिन लोगों के साथ भी व्यवहार करे उनके अंदर के गुण उठाने की आदत डालें। बहुत बार हम चलते फिरते देखते करते दूसरों की नेगेटिविटी उठा उठा करके अंदर रिकॉर्ड करते रहते हैं रिकॉर्ड पहले की होती है फिर थोड़ी सी और बात किसी ने कह दी तो वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग एकदम बर्स्ट होकर के बाहर निकलती क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड कर कर के रखा हुआ था और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी मैंने गुस्सा थोड़ा ज़्यादा कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि पहले जो रिकॉर्डिंग की हुई थी किसी की रॉन्ग इमेज तैयार करके रखी थी वो एकदम गुस्सा दिला देती है इसलिए क्रोध के रूप में वो चीज़ बाहर निकलती है और फिर उससे रिपेंटेंस भी आएगी उससे रिलेशन भी खराब होगा उससे अपनी कंसंट्रेशन भी ख़राब होगी अपनी शक्तियों का भी नुकसान होगा इसलिए अपनी जबान पर ज़रूर कंट्रोल करें जैसा आपने कहा कि एक इमेज बना देते हैं लोग जो दूसरे होते हैं आ, कि बुद्धि में कि नहीं ये ऐसा है नहीं वो वैसा है वो दिमाग में बैठ जाती हैं तो क्या इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए या फिर उससे कुछ डिसीज़न लेना चाहिए क्योंकि वही होता है जो कि आ, कुछ गलत बुलवा देता है कि नहीं इन्होंने ऐसा कहा था मतलब ये ऐसा है तो उसका कितना प्रभाव पड़ना चाहिए कितना इग्नोर करना चाहिए इसमें हमारे बुद्धि एक तराजू के रूप में काम करनी चाहिए ये बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है ह्यूमन बीइंग मीन्स मिस्टेक और फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो जी। बुराई और अच्छाई नेगेटिव और पॉजिटिव एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हर एक पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं इट डिपेंड्स कभी कोई पक्ष विजिबल हो जाता है कभी कोई पक्ष विजिबल हो जाता तो जैसे एक सिक्के का एक हिस्सा हम देख रहे हैं तो मान लेना चाहिए उसका दूसरा भी है आज मैं रात को बैठी हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि दिन भी होता है और दिन बहुत सफ़ेद और बहुत ब्राइट होता है रात बहुत डार्क होती है दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है इवन देन दोनों मस्ट है ऐसे ही हर एक पर्सनैलिटी के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है आज मेरे सामने जो चीज़ आई है मैं उसको फाइनल ना मान लो कि यही है बस ये ऐसा ही है हर एक पर्सनैलिटी के पीछे एक लंबी किताब होती है अच्छाइयों और बुराइयों की वो इस बात से समझ आ जाएगा अगर हर एक खुद को देख ले खुद का भी मालूम पड़ेगा हम सदा बहुत अच्छे नहीं होते हैं कोई ना कोई कमी होती है हम सदा बहुत बुरे भी नहीं होते हैं जी। बहुत बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई अच्छा पक्ष है तो इसलिए वो दोनों बातें बुद्धि में रखते हुए किसी की भी नेगेटिव इमेज को परमानेंट मन बुद्धि का फ्रेम लगा करके अंदर फिक्स नहीं कर देना चाहिए उसमें हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि आ, कोई कुछ बोलता है उसी समय हम सोचते नहीं हैं बुद्धि पर पर्दा पड़ पर जाता है जैसा आपने कहा कि हम तुरंत कुछ बोलते हैं तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं कि किसी ने कुछ कहा तुरंत रिएक्ट किया फिर एक सेकेंड बाद सोचते हैं कई बार वो बुद्धि उस समय काम ही नहीं करती बंद हो जाती है तो ऐसे में क्या हमें एकदम शांत रहना चाहिए चुप रहना चाहिए उसे बोलने देना चाहिए या फिर कुछ रिएक्ट करना भी चाहिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान इस धरती पर आया एक एक्टर के रूप में परमात्मा ने धरती पर भेजा था कि जाओ तुम्हें अनीता के शरीर में भेजता हूँ आपको इसके शरीर में भेजता हूँ तो दोनों जाकर के अपनी अपनी एक्टिंग करके आओ जैसे स्टेज पर दो भाइयों को भेजे एक राम बन जाए एक रावण बन जाए दोनों तुम एक्टिंग करके आना हुआ क्या दुनिया में आकर के हम लोग भूल गए कि हम एक्टर हैं थे एक्टर बन गए रिएक्टर एक्टर का, का काम होता है तुम अपना डायलॉग ठीक बोल एज अनीता यू शुड स्पीक लाइक अनीता ओनली अपना डायलॉग तुम ठीक बोल और रिएक्टर क्या करता है अपना डायलॉग ठीक बोलने के बजाय सामने वाले की एक्टिंग को करेक्ट करने लगता है तुम सीधे खड़े हो तुम ठीक बोलो तुम ठीक देखो तुम ठीक करो तुम ठीक सुनो और सामने वाले को अगर कोई ठीक करने लग जाएगा तो खुद कैसे अपना ठीक बोलेगा ठीक एक्टिंग कैसे करेगा समझो पचास लोग हैं उन पचास को अगर कह दिया जाए सब एक सीधी लाइन में खड़े हो जाओ और पचास के पचास लोग एक दूसरे को सीधी लाइन में खड़ा करवाने में लग जाए पचास के पचास लोग लाइन बनवा रहे हैं कितने टाइम में उनकी लाइन बनेगी कितने टाइम में बहुत सारी उम्र नहीं बनने वाली है क्योंकि वो सब एक दूसरे को सीधा कर रहे हैं सीधी लाइन बनाने के लिए सिर्फ इतना ही करना था खुद सीधे खड़े हो जाते हैं बस ऐसे ही दूसरे ने जो किया उस पर रिएक्ट करना मेरा धर्म नहीं मेरा इस दुनिया में वो कर्म नहीं मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ इस धरती पर कि दूसरों को ठीक करता रहूं और दूसरों को ठीक करने में मुझे क्या मिलने वाला है एक वहम हो गया कि दूसरा ठीक तो मैं ठीक नहीं, नहीं। मैं ठीक तो मेरा सब कुछ आसपास ठीक द सेंट्रल पॉइंट ऑफ माई फेट मैं हूँ धुरी मेरे ठीक होने से मेरे चारों तरफ सब कुछ ठीक होता है इसलिए अपने अंदर एक तैयारी करके रखे कि दूसरा जो कुछ कर रहा है एक एक्टिंग है एक्टिंग में गाली भी होती है एक्टिंग में बहुत बढ़िया रोल भी होता है दोनों को ही एन्जॉय किया जाता है एक्टिंग चाहे राम की हो या रावण की हो मनोरंजन के लिए होती है अगर ये वाला थाट अंदर डाल करके चलेगी कि जो भी सामने आएगा मैं उसकी एक्टिंग का एंजॉय करूँगी तो रिएक्ट नहीं करेगी और कहीं रिएक्ट करना पड़े टाइम ऐसा आता है जहाँ हम आंसरेबल होते तो उस टाइम पर कोई भी बात को पहले ठीक से ऑब्जर्व करें डीप थिंकिंग करें उस चीज़ का फ़ायदा नुकसान सोचे और डिसाइसिवली रिएक्ट करें सोच के समझ के थिंक बिफोर यू स्पीक लुक बिफोर यू लिप उसको पॉज दे करके पेशेंस के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ रिएक्ट करना चाहिए हम रिएक्ट नहीं करते हम सोचते हैं कि बोलने देना चाहिए कब तक बोलेगी या कब तक तो बोलेगा हम रिएक्ट नहीं करते हैं पर लोग इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखते हैं सोचते हैं कि ये तो रिएक्ट नहीं कर रही हम जो चाहे कह सकते हैं वो बुद्धि को बहुत भटकाते हैं बहुत अस्थिर करने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ बोलते हैं वो सोचते हैं हम जो भी बोले ये तो रिएक्ट करने वाली नहीं है नहीं। तो और उनको और दबाते हैं तो आज की जनरेशन में ये बहुत कॉमन देखा गया है रिएक्ट ना करने का मतलब चुप रहना नहीं होता घूमे तो जी लेकिन जहाँ हमारे वर्ड्स की वैल्यू नहीं वहाँ बोल के भी क्या करेंगे कहते हैं जलती आग में घी नहीं डाला जाता जी, अगर कोई बहुत गुस्से में तेज-तेज बोल रहा ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि उस टाइम उसकी लिसनिंग काम नहीं कर रही होती है जी, आप जो भी बोलेंगे या तो उसको समझ नहीं आएगा या उल्टा समझ आएगा तो जब कोई आग बबूला है उस वक्त आपके बहुत समझदारी की भाषा आध्यात्मिक भाषा लॉजिकल लैंग्वेज ऑल इन वेस्ट इसलिए देन आल्सो हैव अ पॉज हैव अ पॉज रिएक्ट करो सही समय देख के करो जैसे तीर मारना है किसी को मारो पर निशाना तो देख के मारो ना जब लगे तब मारो ना आप अपनी बात भी कब बोलो जब आपकी बात का असर निकलने वाला हो अगर लोग समझेंगे ये बुद्धू है ये ऐसे है ये वैसे है क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो जब करने का टाइम आए तब करो आए समझेंगे बुद्धू है, कल ये भी समझ जाएंगे बुद्धू नहीं है ज्यादा बुद्धिमान है उनकी टेम्परेरी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरे की मिस अंडरस्टैंडिंग में शामिल होकर के मैं अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग क्यों गंवा दू आज अगर वो लोग कहते हैं बुद्धू है इसलिए चुप है लेकिन मैंने बराबर का रिएक्ट किया तो ये भी कह देंगे कि इसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं बोलने वालों ने तो बोल नहीं है तो क्यों ना मैं राइट एक्शन लू ना पर दीदी ये कब पता चलेगा कि आ, ये सही, सही समय है इस समय हमें इनसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए या इतने देर या इतने दिन बाद बात करनी चाहिए ये कब समझ आएगा क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते ये वो बातें हैं जो व्यवहार करते करते समझ आ जाती है समझो हमने समझा कि अब शांत है अब जाके बात करते हैं लेकिन हमने जब बात की फिर उसका गुस्सा भड़क गया तो हम यहाँ एक डिसीजन निकाल देते कि ये जो कहा था ना कोई शांत हो तब बात करना चाहिए फालतू है अब करे गुस्सा मैं भी वापस दो की चार सुनाऊँगी <laughs> नहीं अगेन एंड अगेन फिर फिर ट्रायल लो कब किसका मूड ठीक है मौका ठीक है वर्ड्स ठीक है अपने वर्ड्स भी चेक करें अपने जेस्चर्स भी चेक करें मोर ओवर अपना थाट सिस्टम चेक करें आज सामने वाले ने गलत बोला और मैं भी उसके लिए खूब सारा गलत सोच रही हूँ खूब सारा गलत सोच के क्या कर रही हूँ मुंह से चुप और मन से उसको तीर मार रही हूँ ये मेरे नेगेटिव थॉट्स उसके हृदय के अंदर जा कर के चोट करेंगे ये बहुत लंबी चौड़ी आजमाई हुई बात है कि आपके मन के बाण मुख से ज़्यादा तीखे होते हैं और अगर आपने मन में बहुत गलत सोचा और फिर जब वो शांत है तब जा कर के कोई बात की असर करने वाली नहीं है इसलिए क्षमा भाव धारण करें पहले प्रेम भाव धारण करें अंदर में कुछ समय प्रैक्टिस करें उसने जो गलत किया या गलत बोला उसके अगेंस्ट उसको माफ़ करके उसका भला सोच करके फिर व्यवहार करने जाए जी। नॉर्मल व्यवहार पहले करें तब उस चीज का इफेक्ट निकल सकता है पर जब वो शांत रहते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं या तब हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा होता है कि समय निकल जाने के बाद हम बोल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ट्रायल अगर ऐसा दोबारा मौका आ जाए कि समय निकलने के बाद बोल रहे हो जैसे अभी भी हमने पहले भी यही वाली बात की है या कोई और कमेंट इस तरह से आते हैं मुझे शांत से तुमने शांत कर दिया वगैरह तब थोड़ा सा और डीप सोचो सामने वाले की पर्सनालिटी के बारे में और सबसे बड़ी बात जैसे हमने पहले भी बात की गुड विशेज़ बहुत काम करती है आपके अंदर सामने वाले के लिए रिवेंज नहीं होना चाहिए हेट नहीं होनी चाहिए अगर रिवेंज या हेट लेकर के आप चले हैं तो आप इस युद्ध को कभी जीत नहीं सकेंगे आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उससे डबल पावर का गुस्सा कर सकते उसको चुप करा सकते लेकिन आपका रिवेंज अंदर वाल उसके अंदर को फिर रिवेंजफुल बनाता रहेगा तो टिट फॉर टेट आता रहेगा उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया पत्थर का जवाब बंदूक से बंदूक का जवाब बॉम्ब से आने वाला तो ये महाभारत बढ़ता ही जाएगा तो इसलिए पहले चाहिए अंदर क्षमा भाव प्रेम भाव अंदर में नफरत ना हो और ये जो सब्जेक्ट है ये वो सब्जेक्ट है जिसमें दुनिया सारी गरीब हो गई है इसलिए आपने फिर फिर वही क्वेश्चन पूछा मुंह से क्या करे हम फिर वही कहना चाहते हैं मुंह से पहले अपने मन को करेक्ट करे लोग समझते मन में कुछ भी चलता रहे ऊपर वाला काउंट करते कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं सामने वाला फिर भी ऐसे ही करता है राइट right. आपने मुँह से कुछ गलत नहीं बोला आपने फिजिकली कुछ गलत नहीं किया पर यहाँ यहाँ को कौन गौर करता है लगभग नहीं करते वो समझते ये तो बंद डब्बे में है ना दिखाई तो देता नहीं है न दिखाई देने वाली चीज़ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है यही चीज हमारा और बना करके सामने वाले को प्रोवोक करती है हमारे साथ व्यवहार करने के लिए अगर हमारा और में प्रेम है तो सामने वाला बाध्य हो जाएगा वापस लवफुल बिहेवियर के लिए अगर हमारे और में नफरत है सामने वाले के अंदर से एक भावनाएं जागेंगी हमारे ऊपर गुस्सा करने की क्योंकि ये धारणाएं बन गई है कि जो चुप रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता या जो रिएक्ट नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता जो बोलता है बोल्ड होता है वही आगे बढ़ता है चाहे वो सही हो या गलत हो उसमें एक पावर होती है कहते हैं वो पावरफुल होता है तो इन सारी धारणाओं को हम कैसे दूर करें कुछ पता ही है। दूर करने के लिए आपको कुछ और बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी पर्सनैलिटी से प्रमाण दे सकते हैं कि चुप रहने वाला बुद्धू होता है रिएक्ट करने वाला स्ट्रांग होता है इसको कहते हैं काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार लकड़ी आप बर्तन बना दीजिए बहुत खूबसूरत पर आग पर रखते ही जल जाएगा समाप्त हो जाएगा ऐसे ही जो लोअर लेवल की वैल्यूज़ हैं गुस्सा करना रिएक्ट करना वगैरह उनका जो चार्म है उनका जो इम्पेक्ट है थोड़ी देर होता है थोड़ी देर लोग कहेंगे वाह देखा उसने चुप करा दिया कितना मज़ा चखा दिया उसको कब तक कहेंगे बहुत टेम्प्रेरी फेज होता है ये उस टाइम पर हमें हिलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ मुद्दा चुप रहने और बोलने का नहीं है लेकिन आप क्या बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट है कितना बोल रहे हैं नहीं ज्यादा और कम बोलने की बात नहीं या फिर भी सहन करने को हो जाना नहीं कहा जाता जी। सहन करने का मतलब है स्टेबल इन साइट एक्यूरेट वर्ड्स आउटसाइड राइट अंडरस्टैंडिंग बाहर से आप जो रिएक्ट करते हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए यहां से अंदर से चुप चुप मीनस अंदर से डिस्टर्ब नहीं सहन करना एक शक्ति है एक प्रैक्टिस से आती है राइट अंडरस्टैंडिंग से आती है सहन करना एक ऐसी चीज है जिसमें आपके अंदर जितनी पावर है अपोजिशन फोर्स उससे छोटा है अगर कोई भी अपोजिशन फोर्स आपको इफेक्ट दे रहा है मीन्स आप उससे छोटे हो जहाँ जहाँ आप डिस्टर्ब हो रहे हो समझ लो समस्या बड़ी आप छोटे तो आपने समस्या को छोटा करने का जोर नहीं लगाना है क्योंकि वो आपसे लगेगा नहीं आप छोटे हैं अभी खुद को बड़ा करो जी। खुद को और स्ट्रोंग करने की ज़रूरत है तो समस्या खुद छोटी हो जाएगी जी दीदी बिल्कुल दीदी एक क्वेश्चन और उठता है कि कई बार गुस्से में लोग बोलते तो हैं पर वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं एक टाइम आता है जब वो शांत हो जाते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि लोग फिजिकल हो जाते हैं हाथ उठाने लगते हैं या कुछ वस्तु को फेंक कर मारने लगते हैं इस सिचुएशन में हमें मतलब क्या वायलेंस हो जाती है ऐसी नौबत कहीं कहीं आती है आज के जमाने में लेकिन ज़्यादातर ऐसा चांस तभी आता है कि अगर हम सामने वाले के गलत शब्दों का उत्तर गलत शब्दों में देते हैं जिसको हमने पहले भी एक शब्द बोला कि हम आग में घी डालते हैं तो एक कहावत है पुराने ज़माने की कि दाढ़ी वाले को आग में फूक नहीं लगानी चाहिए कि जिसके यहाँ लंबी लंबी बालों वाली दाढ़ी है वो तेज़ फ्लेम है और उसको फूंक लगाने जा रहा है कि वो और तेज़ हो जाए तो वो तेज़ हो ना हो उसकी दाढ़ी ज़रूर जल जाएगी तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गुस्से में है पहली बात तो उसको ऐसा प्रवोक ना करो जब वो मारने पीटने तक आ जाए उस टाइम शांत रहना चाहिए चलो पर चांस ऐसा कुछ हो गया कि आपके मुंह से कोई वर्ड ऐसा निकला जिसमें आपका भाव रॉन्ग नहीं था पर सामने वाले का गुस्सा और भड़क गया और वो कुछ मारने पीटने तक आ गया तब पहला पॉइंट होना चाहिए फिजिकल प्रोटेक्शन अपने आप को ज़रूर सेफ़ कर लेना चाहिए उस जगह से हट जाना चाहिए वैसे ही हट जाने वाला कदम थोड़ा सा पहले ही उठा लेना चाहिए जब देखो थोड़ा सा कोई ज़्यादा प्रवोक हो रहा और आप उसकी नेचर को जानते हैं कि जब भी उनके ऊपर क्रोध सवार होता है वो बड़ा बड़ा होता जाता है तो इसलिए हमारी रेगुलर क्लासेस में ये कहा जाता है कि क्रोध एक भूत है और जब भूत किसी के ऊपर सवार हो गया तो उस भूत का सामना भूत से नहीं करो यानी क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दो क्योंकि भूत एक से अगर दो हो गए ना तो दोनों आपस में लड़ेंगे ज़रूर तो जहाँ भूत आ गया किसी में क्रोध बहुत बड़ा भूत है वहाँ से हट जाने में कल्याण है किनारा कर लेना चाहिए कुछ गैप दे देना चाहिए ताकि अगले को उसको रीथिंक करने का चांस मिल जाए अगले के अंदर जो एक नेगेटिविटी का गुबार आया है उसको एक पॉज देने की ज़रूरत होती है फिर भी बात जो चली कि अगर कोई चांस आ गया है मारपीट चीज़ उठा के फेंकना वगैरह इस तरह से नुकसान करने पर आ गए हैं पहला काम हट जाओ वहाँ से दूसरा काम जिसकी वो बात मानता हो व्यक्ति उसको सामने ले आओ। हो सकता है उसकी शर्म से रुक जाए या उसके कहने से रुक जाए समाज में उसकी क्या इमेज है ये देखकर रुक जाता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है या सही क्योंकि आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो सही है प्रायोरिटी देनी चाहिए या समाज में आपकी कितनी वैल्यू है इमेज है उसको वैल्यू देनी चाहिए। इसलिए पहले उनके जो रिस्पेक्टेबल है उनको सामने लाओ रिक्वेस्ट करो कहीं सॉरी फील करने की जरूरत हो तो सॉरी फील करो अपनी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस लाने की जरूरत हो क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना हो सकता है सच में हम कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं जो उसको बार बार प्रवोक करती है सामने वाले को स्टॉप करने से पहले अपने में सब तरह के पॉसिबल चेंजेस लाने चाहिए और उन चेंजेस को दबना घुटना मरना शब्द नहीं बोलना चाहिए वो एक एडजस्टमेंट है क्योंकि ये बात भी हमको मालूम पड़ती है कि ताली हमेशा दो हाथ से बचती है हमारे सेंटर्स पर बहुत से भाई बहनें आते हैं दूसरों की शिकायत लगाएंगे दीदी हमारा फलाना ऐसा ऐसा खराब ऐसा खराब ऐसा तंग करता बात मत पूछो और जब उनका दूसरा आता है वो आकर के उस पहले वाले की इतनी शिकायत लगाता जो बात मत पूछो और दोनों से अगर आप पूछे कि आप खुद कैसे हो तो दोनों कहते हैं आई एम ऑल राइट मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है तो ये मान लेना चाहिए कि जहाँ भी झगड़ा है वहाँ कर्म करम कहानी है वो कर्म कहानी ये कहती है कि रेडीमेड देवता कोई नहीं है कुछ गलती सामने वाले में तो अपने में भी है आज अगर विजिबली मैंने कुछ नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेरे द्वारा उस आत्मा को दुख दिया गया है जो दुख के रूप में वापस आ रहा है तो इसलिए जल्दी से उसका बदला नहीं लेना कि सामने वाले को मजा चखा दें पहले प्रोटेक्ट करें खुद को फिर जहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसको ठीक अंडरस्टैंड करें जी। क्योंकि जो आज उसने बुरा किया वो किसी बुरे का फल था मुझे भोगना होगा लेकिन आज अगर मैंने वापस बुरा कर दिया वो फल फिर मल्टीप्लाई होके वापस आने वाला है इसलिए बुरा करने वाले को पहले भला कर 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 के जीतो एक तरह से कर्ज उतारो जो मेरे द्वारा कहीं अनजाने में दुख दिया गया था दुख वापस आ रहा मैं सुख से उसको कंपनसेट करो सुख वापस दो सुख उसको इतना देने की कोशिश करें कि वो आत्मा सुख के द्वारा दब जाए उसकी नेगेटिविटी लास्ट ऑप्शन है जो पुलिस वाली बात कही जहाँ कोई और उपाय ना हो एक छोटा सा आपको इंस्टांस सुनाती एक बार बताते हैं कि जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उससे पहले श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापन किया उसकी पूजा के लिए उनको कोई ब्राह्मण चाहिए था तो कहते चारों तरफ और कोई ब्राह्मण नहीं मिला रावण ब्राह्मण था तो रावण को पूजा करने के लिए बुलाया लंका पर चढ़ाई करने से पहले तो रावण को पूजा के बाद राम जी ने दक्षिणा देनी थी और दक्षिणा के लिए उनके पास और कुछ नहीं था हाथ में एक अंगूठी थी वो अंगूठी उतार करके रावण को दक्षिणा देने लगे रावण ने कहा नहीं ये दक्षिणा नहीं चाहिए देना ही है तो एक वरदान दीजिए क्या वरदान दीजिए मैं कहीं आपके सदाचार से प्रभावित होकर अपनी दुश्मनी ना छोड़ बैठूं क्योंकि मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूँ मरूंगा तब जब दुश्मनी कायम रखूंगा पर आप इतने अच्छे हो कि मुझे बार बार लगता है कि आपकी उन अच्छाइयों से मैं प्रभावित होकर के दुश्मनी छोड़ बैठूंगा तो इसलिए दुराचार को सदाचार से जीतना ये बहुत बड़ी जीत होती है और इतिहास गवाह है हजारों लाखों ने जीता है जी सजा देना पनिशमेंट देना एक उपाय है कि इसे इसने इतना दुराचार किया इसे पनिशमेंट देना चाहिए तो ये वो सही हो जाएगा तो ये कितना जरूरी है इसको दो परस्पेक्टिव से देख सकते हैं एक है हमारा एक लिमिटेड दायरा जहाँ एक परिवार है या दो लोग हैं एक है फिर समाज का बड़ा दायरा जहाँ देश के मुद्दे आते हैं या कम्युनिटीज के मुद्दे आते हैं जहाँ तक पर्सनल बातें हैं या एक परिवार की बातें हैं फिर हम वही बात करते हैं सज़ा लास्ट ऑप्शन है उससे पहले प्रेम के व्यवहार के द्वारा उसको जीता जा सकता पर हमारे यहाँ क्लासेस में आता है कि सजा भी अगर कहीं देनी है जैसे मम्मी है बच्चा है शरारत कर रहा है तो क्या करेगी माँ अंदर प्यार रखते हुए बच्चे को एक थप्पड़ लगा देती है नेक्स्ट टाइम बच्चा मम्मी से नफरत नहीं करता है माँ को प्यार भी करेगा अपनी डिमांड भी रखेगा लेकिन उस थप्पड़ के डर से वो नेक्स्ट गलती करने से बहुत बार बच जाता है पर यहाँ हमें सिखाया जाता है कि बच्चे को थप्पड़ भी नहीं लगाओ ये भी क्रोध है उसके बजाय उसको छोटी छोटी दूसरी पनिशमेंट्स दी जा सकती है उसकी पॉकेट मनी बंद कर दो उसकी चॉकलेट टॉफ़ी बंद कर दो उसके टीवी के कनेक्शंस कट करा दो कुछ इस तरह की पनिशमेंट्स दे करके हम उसके माइंड को एक डिसिप्लिन सिखाते हैं जैसे डिसिप्लिन है ट्रेन का कि वो पटरी पर चले तो उसके पहिए इस तरह से बना दिए गए हैं कि वो पटरी के ऊपर ही रहेंगे जी। नहीं तो ऐसे नहीं कि कभी पटरी पर कभी रोड पर उसको डिसिप्लिन देने के लिए कुछ इस तरह की फिटिंग्स बना दी जाती है तो ऐसे ही कुछ डिसिप्लिन सिखाने के लिए अगर हम कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट होते तो उसको हम सजा का नाम नहीं देते सज़ा शब्द ही खराब है तो हमें थोड़ी सी पॉजिटिव डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए सज़ा के बजाय उसको कहना चाहिए हम घर की व्यवस्था ठीक करते हैं कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं कि अगर ये आपने किया ये किया तो ठीक है अगर नहीं किया तो आपकी ये ये वाली सुविधा बंद कर दी जाएगी लेकिन जहाँ सोसाइटी की या क्राइम्स की बात आती है वहाँ भी आजकल के ज़माने में ये महसूस किया गया है कि जहाँ क्रिमिनल्स को पनिशमेंट्स दी गई रिपोर्ट्स ये कहती हैं जितना पनिशमेंट दे करके जेल से बाहर भेजा नेक्स्ट टाइम बड़ा अपराधी हो करके के आया फिर और बड़ा फिर और बड़ा ये लोग जेल बर्ड्स बन जाते हैं बार 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 आते हैं जेल के अंदर और जेल के साथ साथ आजकल सुधार ग्रह बनाए जा रहे हैं सुधार ग्रह के अंदर उनको जाकर के राइट और रॉन्ग की नॉलेज देने के साथ साथ उनको मॉरली बूस्ट किया जाता है जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोग हैं जो मॉरल वैल्यूज वाले लोग हैं उनका संग दिया जाता है उससे जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं सजा से जो चेंजेस आते हैं वो टेम्परेरी होते हैं जी, जी। इसलिए सज़ा का भी विधान सरकार ने बनाया तो ज़रूर है लेकिन वहाँ वहाँ सज़ा यूज़ करते हैं जहाँ उनके पास कोई सुधार देने के लिए मदद देने के लिए नहीं है जहाँ इस तरह का खुद मॉरली स्ट्रॉन्ग लोग उनके पास नहीं है वहाँ पर ऐसा होता है ये वार्तालाप तो इतना इंटरेस्टिंग है हमारा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का पर घड़ी की सुइयाँ हमें ये इजाज़त नहीं दे रही कि हम यहाँ रुकें दीदी ने हमारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान किया दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया